गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निकले हैं भाई बिल्ली को लेके, और आज क्या करेंगे, आज देखेंगे कितनी जल्दी कितनी तेज भाग सकता है। इसके लिए मैंने पता क्या किया है, इसके लिए मैंने एक ये ऐप डाउनलोड कर लिया। तो अभी देखो कि ये स्पीड तो ठीक ठाक ही लगभग सेम सी दिखा रही है, गाड़ी का स्पीडोमीटर और इसका स्पीडोमीटर लगभग सेम सा ही चल रहा है। तो अब ये पता क्या करेंगे, अब हम टेस्ट करेंगे कि बुल्ली कितनी देर में कितनी स्पीड पकड़ सकता है। स्केट्स के ऊपर रहूँगा मैं, स्केट्स पे होऊंगा और बुल्ली भागेगा। ये कहीं गिर गया के तो नहीं, रोड रोड पे गिर के तो नहीं है, बिल्कुल गिरता है। अच्छा, और क्या, साइकिल चलाई आपने? हाँ, गिरे हो? हाँ, फिर वही काम है, सेम काम है। गिरने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है सबसे पहले, डर निकालना पड़ता है आपको। फिर तो मजा आया जिंदगी का। ये बार बोल रहा था अगर गिरने के बाद जब सीख जाए बंदा, उसके बाद क्या होगा भाई, फिर तो आनंद है, उसके ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है। अरे अब कर देते हैं स्टार्ट, अब यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं बिल्ली रुक जाएगा, क्योंकि ना सारी चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी मुझे एक ही हाथ में। बोले स्टॉप, अभी स्टॉप, अभी स्टॉप है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ऐप खोल लेता हूँ मैं वाली, जो अभी मैंने खोली थी, कहाँ गई। देखो मैंने ट्रिप यहाँ से कर दिया है स्टार्ट, अब देखते हैं अभी हम जीरो पे हैं, और देखते हैं बुल्ली कितनी देर में स्पीड पकड़ता है और कितनी स्पीड पकड़ता है। अभी आगे से डॉग भी आ रहा है, लेकिन देखते हैं। चल बुल्ली, क्या बात, 19 बेटा, 19, ओके ओके, चलो 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 चलो, शाबाश, 20 पे आ गए, 20 पे आ गए, 21, बहुत तेज बुली, शाबाश मेरा, अच्छा 22, ओए 23, ओ बहुत बढ़िया, ओ बहुत बढ़िया। मैं देखो अभी मैं ओके नहीं कर रहा, सिर्फ बुल्ली पावर पे चल रहा हूँ मैं, 1 बुल्ली पावर, ओ 22, ओ बहुत बढ़िया बुली, ओए 20, ओए 20 की स्पीड से ऐसी पकड़ी नहीं होती, अच्छी में आ गया बुल्ली। अब क्या ही मज़ा आया यार, मतलब 20 की स्पीड तो बोली, 20-25 तो जब ही चला जाता है। दोबारा से रेस देते हैं, तो इस बार मैं भी हेल्प करता हूँ थोड़ा सा तेज जाने के लिए। ओ बोली, शाबाश बोली, मतलब 20-25-25 तो मान के चलो स्पीड की आ जाती है, जब भी आ जाती है, पिकअप लेते आ जाती है। ओ अरे, मेरे तो स्केट्स मैंने ढंग से टाइट नहीं करे थे ऐसे। चलो एक तो पता क्या होता है, इसको जब भी स्केट्स में होता है ना, तो बहुत तेज भागने का मन करता है इसका, बहुत बढ़िया। चल बेटा, चल 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 सीधा चल। दूसरा कुत्ता देख रहा था इसको कि ये क्या गया। मस्ती मस्ती में तो ठीक है, लेकिन अपने डॉग को ना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि कब उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी और कब उसको हमें रोक देना है। स्टेशन पे भी मतलब, क्योंकि ये तो भाई मस्ती मस्ती में अपने स्पीड में दौड़ जाएंगे, आपको मौसम मौसम इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और खासकर ना अगर देखो, जब सेफ कब होता है, जब ऐसी जगह होती है ना आपके पास जहाँ पे पानी गिरा हुआ है वो है, तो अगर ज़्यादा गर्मी लगती भी है डॉग को, एकदम से वो लगता है कि भाई अब तो सांस ही नहीं आ रही, तो ऐसी ज़मीन पे वो अपने आप को ठंडा कर लेता है बैठ के। तो उनको आता है कि कैसे ठंडा करना है, चारों पैर यूँ खोल देते हैं डॉग और अपनी छाती से गर्मी को रिलीज़ कर देते हैं नीचे, अर्थ के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि हम अर्थ से बिजली पास कर देते हैं ना, ऐसे अर्थ भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ऐसे काम में। और आपका शाबाश बिल्ली, हार्ले डेविडसन जा रही है, देखो ये रही हमारी हार्ले डेविडसन। स्केट पे भी कमांड आने चाहिए कि अब जैसे फुटपाथ के ऊपर आ गया, पर गिरने के पूरे चांस होते हैं। ओ भाई
फुटपाथ के ऊपर यार रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्या पर। डॉग्स अगर ऐसे हो जाते हैं ना बहुत सारे, ठीक है, उनका चांस उनकी उनका कारण मेन कारण यही होता है कि उनकी ना एनर्जी नहीं निकल पाती है डॉग्स की। तो अगर ऐसे आपने कर लिया तो मालिक की एनर्जी भी निकल जाएगी और डॉग की एनर्जी भी निकल जाएगी और भाई मस्त अपना उसके बाद आप ट्रेन कर सकते हो अपने डॉग को। सब पूछते हैं ना बुल्ली को तुमने प्यारा ट्रेन कैसे किया, भाई जब मैं इसको काटने पीटने की मैं वो ही नहीं छोड़ूंगा। हार ले जा रही है आज तो सुबह सुबह यार, ऊपर तो बड़ा वाइब्रेशन हो रही है, नीचे उतार लेता हूँ मैं कैसे समझ आएगी। अब बाइक का पीछा करेगा बुल्ली, भाई बाइक का पीछा कर रहा है बुल्ली, पुलिस पुलिस स्पीड में बुल्ली। ओ ओ भाई बहुत बढ़िया भाई, ये कोई आम कुत्ता नहीं लगता मेरे को, या तो ये आम था और अब ये सरेआम कुछ और बन गया है। बुल्ली का इंजन गर्म हो गया होगा तो थोड़ी देर ना यहाँ पे खुला छोड़ता हूँ घास वास में, यार घास में कीड़े का थोड़ा सा डर होता है लेकिन अब गर्मी भी तो इतनी है क्या करें। रुक जा अब तो ना थोड़ी देर खुला छोड़ दूँगा, पहले चेक कर लेते हैं आस पास दूर दराज तक कोई कुत्ता तो नहीं है। अभी अपने आप ठंडा होगा बोलिए, देखने जाके क्या करेगा, इसका एक्शन देखते हैं। रोड पे नहीं जाना, सबसे पहला एक्शन ये लिया है बंदे ने, बैठ गया ज़मीन पे, अर्थिंग ले लिया, ठीक है अब अर्थिंग मिल गई है इसको। अब मैं सोच रहा हूँ इसको खुला वहाँ तक लेके जाऊँ लेकिन अभी थोड़ा पता क्या होता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने डॉग को लेके लेकिन लोग तो डरते हैं ना, लोगों की जिम्मेदारी भी हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि डॉग हमारा है ना भाई, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी सेफ फील करवाना, हमारे जब भी हम प्रेजेंट हैं तो हमें सेफ फील करवाना पड़ेगा उन लोगों को भी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझोगे, कोई आपके डॉग को बुरा नहीं बोलेगा, कोई डरेगा नहीं आपके डॉग से और आगे जाके मेरे बच्चों को भी वही सिखाएंगे। अभी क्या होता है बच्चों को देख के बोलते हैं कि अरे कॉट लगा दूर हो जा, ये साइकी नहीं होती, ये नहीं होनी चाहिए, ये हमारी वजह से भी है, काफ़ी जो केयरलेस ओनर्स हैं उनकी वजह से भी ये दिक्कत है, हम केयरफुल हो जाएंगे तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लग जाएंगी। अब दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ये ना ये रोड जो है ये इस पर ट्रैफिक नहीं आता, ये रोड जो है ये अपना एक रिस्ट्रिक्टेड रोड है, ठीक है अब दूर दूर तक कोई भी नहीं है, उधर से कोई आ नहीं रहा है, अब बुल्ली को लेकर चलते हैं दराज बड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग जब आप उठ जाओगे जब चल जाओगे तो आपके साथ ही आएगा है ना, तो वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप ये कर सकते हो। पीछे से भी एक बाइक आ रही है तो उससे पहले वो बाइक आए मैं इसको रोक लेता हूँ, बोली पूछा ठीक है। अब वो बाइक यहाँ से आ रही है, मैंने देखो कहाँ से देख ली थी, तो आपको आपको अपने डॉग से ज़्यादा विजिलेंट होना है, ये बाइक यहाँ से चली गई चल कर, ठीक है अब ये यहाँ पे अर्थिंग ले लेगा, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ठंडक है, अब मैं इसको बोलता हूँ कमांड का सोई 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 बुल्ली सो गई। तो ये होता है देखो तरीका, अब वो बाइक आ रही है पर इस बाइक को स्कूटी को कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे को बुल्ली सब, ठीक है देखा कुछ नहीं बोला ना, तो ये एक ऑब्जर्वेशन होती है जो आपको आनी चाहिए अपने डॉग के साथ आएगी धीरे धीरे, और ये ऐसे नहीं आती, ये आपको टाइम बिताना पड़ता है भाई अपने डॉग के साथ दूसरे और अपने डॉग्स का रिएक्शन देखना होता है दूसरी चीज़ों के अगेंस्ट में जब बात करते हैं। तो चलो यार आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, हैप्पी पेटिंग।